हम लोग इतना स्ट्रगल किए है ना, 6 कंपनी में काम किए, काम करके 8,000 का फोन लेकर घर आए थे कि अब चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि घर से कोई फोन देता नहीं था, किसी को बिलीव नहीं था। हमारे पापा 4 महीने तक बोलते रह गए कि बोलते बोलते पैसा नहीं मिलेगा। मेरा बाल जो है ना वो बढ़ के यहाँ तक आ गया था, मैंने भी एक जिद पकड़ लिया था, जब तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगा बाल नहीं कटवाएंगे। ये मेरा पहला चैनल है, देखिए इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह चैनल मात्र 3 दिन में वायरल हो गया था। अच्छा, मात्र 3 दिन में, मतलब यह मेरे लाइफ का सबसे फास्ट ग्रो होने वाला चैनल, मात्र 3 दिन में वायरल हुआ था। 5वां दिन यह चैनल मोनेटाइज हो गया था, 2 दिन मोनेटाइज में लगा था टाइम, और 5वां दिन यह चैनल मोनेटाइज हो गया। ये सब तो ठीक है गोविंदा जी, लेकिन ये बताइए कि अभी तक मतलब 1 साल के अंदर ही आपने यूट्यूब से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, एक ओवरऑल बात किया जाए तो कितनी अर्निंग आपने कर ली है? ज्यादा तो नहीं, भी साल भी नहीं लगा है, तो मुश्किल से 25 लाख रुपए हम लोग कमाए। दोस्तों, अगर आज के इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो आज के बाद कभी भी आप ये नहीं कहेंगे कि मैं YouTube पे सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं, मेरे व्यूज नहीं जा रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आज आपको जिन शख्स से मिलाने वाला हूं, ये अकेले 30 से 40 चैनल चलाते हैं, जिनमें कि अभी इनकी अर्निंग 15 से 20 चैनल से होती है। अब आप सोच सकते हैं कि एक यूट्यूब चैनल की अर्निंग लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए होती है, तो जब ये 15 से 16 चैनल यहाँ पे अभी अर्निंग कर रहे हैं 15 से 16 चैनल से, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अर्निंग करते होंगे। तो सबसे पहले गोविंदा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गोविंदा जी आज ही मुझसे मिलने आए, करीब यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, और सुबह सुबह मुझे कांटेक्ट किया कि सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा आइए, वेलकम है। तो मैंने सोचा कि आप सबको इस वीडियो के माध्यम से इंस्पायर किया जाए, मोटिवेट किया जाए कि कैसे ये वीडियोस बनाते हैं, वो भी बिना फेस दिखाए, बिना साउंड के, बिना फेस के। काफ़ी सारे इनके चैनल हैं जिससे ये काफ़ी अच्छी खासी अर्निंग करते हैं। तो सबसे पहले गोविंदा जी एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए, बाकी इस वीडियो में ऑडियंस को सब कुछ बताएंगे कि किस तरीके से आप काम करते हैं, कैसे अर्निंग करते हैं, बल्कि आपकी अर्निंग भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप एक अपना इंट्रो दे दीजिए। सबसे पहले सबको प्रणाम नमस्कार, मेरा नाम गोविंदा भाई है और मैं बिहार के छोटा सा जिला औरंगाबाद का रहने वाला हूँ, और मैं यूट्यूब पे करीब 1 साल से काम कर रहा हूँ। जी, तो आप 1 साल से काम कर रहे हैं, और ये आप जो इतने सारे चैनल चलाते हैं, 15-20 चैनल आपने जैसा कि बताया, तो कैसे मतलब एक ही साल में इतने सारे चैनल चलाने का आइडिया कैसे आ गया, और कितने दिनों से आप जो है अर्निंग कर रहे हैं? देखिए, मैं 1 साल में आइडिया इसलिए आया क्योंकि मेरा पहला पेमेंट आया, दूसरा पेमेंट आया, तो मुझे लगा कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पैसा है। अच्छा, तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब काम करके अच्छा खासा पैसा कमाया जाता है। मतलब एक चैनल से आपकी अर्निंग आता, आपने सोचा जब एक चैनल से अर्निंग आ रहा है तो दूसरा बनाए, बस हाँ इसी तीसरा बनाए। तो मतलब ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आपकी उम्र कितनी हो रही है अभी? मेरी उम्र अभी 21 साल है, अभी अच्छा। मेरा कुछ दिन पहले ही जन्मदिन था, 10 दिसंबर को। अच्छा, जा और आप मतलब अभी पढ़ाई वढ़ाई करते हैं या छोड़ दिए? नहीं, पढ़ाई मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि मैं स्टार्टिंग में जब आया था तो बहुत ज्यादा खराब स्थिति से मैं यूट्यूब आया हूँ, और यहाँ तक कि मेरे पास फोन भी नहीं था यूट्यूब चैनल चलाने के लिए। फिर मैं टोटल 9 महीने तक कंपनी में काम किया हूँ, 6 कंपनी मतलब में काम किया हम लोग। कम उम्र में काफी स्ट्रगल आपने किया है, बहुत ज्यादा। और फैमिली बैकग्राउंड मतलब पिताजी वगैरह क्या? मतलब वो भी स्टील प्लांट में काम करते थे पहले, मतलब फैक्ट्री वगैरह में। 8,000। दोस्तों, आप देखते हैं कि जितने भी लोग ज्यादातर यूट्यूब पे आते हैं, इवन हम भी जब आए थे 4-5 साल पहले, तो फैमिली कंडीशन ही देख के आए थे, पिताजी ज्यादा एलिजिबल नहीं थे, घर के कंडीशन सही नहीं थे, तो हमारे दिमाग में आता है कि पैसा कहाँ से आए, पैसा कैसे कमाया जाए। तो उसी को देख के गोविंदा जी ने यहाँ पे स्टार्ट किया, लेकिन बहुत कम समय में इन्होंने काफी ज्यादा से ज्यादा चैनल पे काम कर लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि गोविंदा जी तो ठीक है, ये पीछे जो भाई लोग खड़े हैं ये कौन है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब हम YouTube पे काम करते हैं, जब कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो वो तो करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। मान लीजिए कि 5 मिनट या 10 मिनट की वीडियो बनानी है तो वो हमने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जो एडिटिंग होती है, अपलोडिंग होती है, उसमें काफी ज्यादा समय जाता है। इसलिए गोविंदा भाई ने क्या किया है कि अपनी एक टीम बना ली है। अब टोटल अभी कितने लोगों की टीम है गोविंदा जी आपकी? देखिए, अभी हमारे पास 8 टीम है, लेकिन अभी मौजूद सिर्फ 4 लोग हैं। 4 लोग हैं, और 4 लोग इनके जो है सो ऑफिस में हैं, जहाँ पे जो लोग बैकग्राउंड में काम करते हैं, मतलब कि न्यूज निकालना है, कोई टॉपिक ढूंढना है, एडिटिंग करना है, तो ये एक प्रॉपर पूरे टीम के साथ काम करते हैं, तब जाके जो है सो इतनी अर्निंग करते हैं। चलिए, अब आपको मेन चीज दिखाते हैं कि कौन कौन से चैनल पे काम करते हैं और किस चैनल से कितनी कितनी अर्निंग है, वो सब गोविंदा जी लाइव दिखाएंगे। मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए कि ये मेरे से आए मिले,
इन्होंने बताया कि मैं सर मल्टीपल चैनल्स पे काम करता हूँ, तो मैंने कहा चलिए वीडियो ही डायरेक्ट शूट करते हैं और आप वीडियो में ही बताइएगा मुझे भी और ऑडियंस को भी कि आप कितने सारे चैनल्स पे जो है सो काम करते हैं और किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले अपना मोबाइल फ़ोन निकालिए और दिखाइए कि कौन कौन से चैनल पर जो है अभी आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे अभी जो है लाइव गोविंदा जी सर्च करेंगे अपने मोबाइल में चैनल्स को और दिखाएंगे। सबसे पहला चैनल दिखाएंगे। मैं अपना पहला चैनल तो डिलीट मार दिया हूँ लाइव का, क्योंकि व्यूज डाउन हो गया था, फिर भी मैंने उस चैनल से 70-80 हज़ार रुपया कमाया था। अच्छा अच्छा। उसके बाद मैं दूसरा चैनल लिया तो बनाया, पहले चैनल से व्यूज गिरा तो डिलीट मार दिए हैं। हाँ, देख लीजिए मुझे कैसे इंसान है, पता था कि मैं इसके अलावा भी और चैनल खड़ा कर सकता। अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस इतना था। ऐसे यहाँ तो लोगों के व्यूज कम होते हैं तो लोग कहते हैं अरे यार मेरा तो व्यूज कम हो गया, मैं तो चैनल छोड़ा। ऐसे ऐसे मैंने चार चैनल को, और भाई का कॉन्फिडेंस देखिए कि मतलब मेरा व्यूज डाउन हुआ तो साला चैनल ही हम डिलीट मार के हटा दिए। देख रहे हैं हम लोग चार चैनल डिलीट, इसको कहते हैं कॉन्फिडेंस, मतलब कि चैनल पे व्यू डाउन हुआ डिलीट कर दिए और अब जो है सो फिर तुरंत चैनल बना के जो है सो वो कर ली। ये जज्बा होना चाहिए इंसान के अंदर। तो दिखाइए अब, देखिए मेरा पहला चैनल है। देखिए इस चैनल को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यह चैनल मात्र 3 दिन में वायरल हो गया था। अच्छा, मात्र 3 दिन में, मतलब यह मेरे लाइफ का सबसे फास्ट ग्रो होने वाला चैनल, मात्र 3 दिन में वायरल हुआ था। 5वां दिन यह चैनल मोनेटाइज हो गया था, 2 दिन मोनेटाइज में लगा था टाइम और 5वां दिन यह चैनल मोनेटाइज हो गया। बताइए दोस्तों कि 3 दिन में इस भाई का चैनल, इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है। थोड़ी सी ये तो हो गया पहला चैनल। पहला चैनल और इसपे जो, अच्छा इस पे क्या भोजपुरी न्यूज वगैरह आता है? पूरी कंटेंट है, देखिए यहाँ पे सारे। अच्छा, ये जितने भी न्यूज वगैरह से रिलेटेड होता है वो भोजपुरी कंटेंट है जो भी है। अच्छा अच्छा, चलिए ये तो ऐसा नहीं कि व्यूज नहीं जाता, व्यूज भी जाता है, व्यूज भी तो देख ही रहे हैं, काफी अच्छा खासा व्यूज जा रहा है, लाखों में व्यूज जा रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए ये तो एक चैनल हो गया, ये मेरा हो गया भोजपुरी चैनल। उसके अलावा एक मेरा क्रिकेट चैनल है। अच्छा, मतलब अलग अलग कैटेगरी में भाई काम करते हैं, अलग अलग कैटेगरी का चैनल है। हाँ, सारा सारे फील्ड में चैनल बना के रखे हम लोग। ये हमारा क्रिकेट चैनल है। अच्छा। जो कि यह दूसरा चैनल था, उसके बाद हमने बनाया था। अच्छा, जो हमने डिलीट कर दिया था, और यह चैनल पे भी काफी अच्छे खासे व्यूज हैं। मतलब चैनल डिलीट करना तो इनके लिए बाएं हाथ के कमाल है, चैनल डिलीट करते हैं फिर बनाते हैं, तुरंत ग्रो भी कर लेते हैं। वाह, चलिए ये तो दूसरा चैनल हो गया। और इसके अलावा मेरे पास और भी चैनल है, देखिए क्रिकेट एकेडमी गोविंदा, मतलब काफी सारे चैनल। ये भी मेरा चैनल है, ये तो अभी नया ही चैनल है, लेकिन फिर भी काम लगातार हो रहा है। यहाँ पे है चैनल, ये है, नहीं नहीं ये नहीं है, अरे कहाँ नया चैनल होता है तो थोड़ा सर्च में भी आने में नहीं नहीं आता है, पता नहीं क्यों नहीं आया। चलिए इसको क्रिकेट एकेडमी करके चैनल मेरा। उसके अलावा भी एक चैनल है जो हम लोग 2-3 दिन पहले ही मोनेटाइज किया, खतरनाक, 2-3 दिन पहले ही मोनेटाइज हुआ, नाम भी खतरनाक खतरनाक ही रखे। बहुत अच्छा चैनल चल रहा है, भोजपुरी कंटेंट है। अच्छा, देखिए बिहार में मतलब आपका भोजपुरी का और कॉमेडी का मेन कंटेंट जो है सो चलता है ज्यादा तो क्रिकेट का। देखिए बिहार में क्या होता है, लोग बहुत लोग गाने सुनते हैं। हाँ, गाना, लेकिन तो आइडिया नहीं कि कैसे उस गाने से भी पैसा कमा सकते हैं, उस गाने का अपडेट देकर। सही बात है, तो ये उस गाने का अपडेट दे कि ये गाने का रिव्यू कैसा रहा। हाँ। जैसे बहुत लोग मूवी का रिव्यू देते हैं कि ये मूवी कैसा लगा, वैसे ही रिव्यू दे दिए गाना कैसा लगा, है ना, तो उससे भी अर्निंग होती है। और यह एक चैनल है, ये भी क्रिकेट का ही है, इसपे 20,000 सब्सक्राइबर है, इससे भी अर्निंग होती है, बहुत अच्छी खासी। इसका अर्निंग भी दिखाने वाले अभी आपको कुछ देर में। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, अथवा बैक कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जितना भी ये सर्च किए हैं ना, ये लगभग कितना सारा चैनल सर्च किए हैं अभी, सब चैनल इन्हीं का है। अब यहाँ पे हमको अर्निंग दिखाइए गोविंद भाई, और यहाँ पे ऑडियंस को भी अर्निंग दिखाइए, क्योंकि हम लोग कोई भी काम प्रूफ के साथ करते हैं। एक और ये नहीं, देखिए ये है गोविंदा। अच्छा, भाई अच्छा, ये गोविंदा भाई भी आप ही का चैनल, इसमें पता नहीं, हम लोग फेस के साथ काम करते हैं। अच्छा, इस पे फेस, बाकी ऐसा जो चैनल है जिसपे हम लोग फेस नहीं दिखाते। अच्छा, मतलब बाकी सारे चैनल पे सिर्फ वॉइस ओवर चलता है, फेस नहीं दिखाए। तो देख सकते हैं दोस्तों कि हर तरीके का चैनल है जिसमें फेस दिखा के भी, ऑडियो के साथ भी, बिना ऑडियो के भी, बिना फेस के भी, हर तरीके के। कुछ दिन पहले एक चैनल बनाए थे म्यूजिक का, ठीक है, अभी अनलिंक हो गया है, इसको भी दिखाना चाहेंगे। यह है, और यह चैनल CMS का था पहले, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे हमने कुछ गलतियां की थी जिसके कारण अनलिंक हो गया। बस फिर भी दिखा दे, लोग मोटिवेट हो। सही भाई, इतना चैनल है कि दिखाएंगे तो सुबह हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चैनल तो आप बहुत दिखा दिए, अब जरा लोगों को अर्निंग दिखाइए। हाँ, किस किस चैनल से किस किस तरीके से आप अर्निंग कर रहे हैं, ताकि लोगों को लगे यार देखिए एक सामने वाला बंदा जिसे सिर्फ लगभग 1-1.5 साल ही यूट्यूब पे हो रहा है, जिसने इतने सारा चैनल बना के इतना बड़ा। देखिए काम करने का सबसे बड़ा जुनून होना चाहिए, जब जज्बा होना चाहिए, टाइम मैटर नहीं करता है कि 1 साल है 2 साल है। यूट्यूब से पैसा कमाए हुए मेरे को 1 साल हुआ भी नहीं है, 25 दिसंबर को 1 साल होगा। अच्छा, फर्स्ट पेमेंट 25 दिसंबर को ही आया। अच्छा, मतलब देखिए अभी
दिसंबर 25 अभी आया भी नहीं, दो तीन दिन अभी बाकी है, और उससे पहले ही इन्होंने इतना सब कुछ कर लिया, तो बहुत अच्छा लगता है देख के। अब गोविंदा भाई जरा अर्निंग दिखाइए लोगों को, अर्निंग दिखाइए, अर्निंग किस तरीके से यहाँ पे होता है। यह हमारे गोविंदा भाई चैनल का यह चैनल मात्र एक दो महीने में इतना सब्सक्राइबर खड़ा हुआ, बताइए जो भी है। एक दो महीने में ही आपके 45,000 सब्सक्राइबर हो गए और इसकी अर्निंग भी लगभग $200 हर महीने यहाँ पे। और इसका टोटल अर्निंग देखना चाहेंगे तो इधर है, पहले ब्लॉग बनाते थे तो 40-24 डॉलर बनता था, जब टेक डालना शुरू किया तो 600-500 डॉलर इस तरह से डॉलर अच्छा खासा बन रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये तो हो गया गोविंदा भाई, ये तो गोविंदा भाई चैनल का हो गया। उसके बाद ये क्रिकेट का जो दिखाया था, क्रिकेट कंटेंट करके चैनल, उसका है जुलाई से लेकर दिसंबर तक। इसका आपका बहुत अर्निंग हुआ है, 16,000, 29,000, 28,000, 35,000। इसका और अर्निंग दिखाते हैं, एक और है इससे पहले वाले महीने का, क्योंकि सारा एक साथ तो शो नहीं करेगा, ये है पहले वाले महीने का। 89,000, 1,06,000, 53,000, 15,000, मतलब देख सकते हैं। और इससे भी पहले वाला अगर देखेंगे तो वो तो है नहीं मेरे पास अभी, लेकिन उसमें बहुत ऐसा तो हम देखेंगे तो हम भी पागल हो जाएंगे, ऑडियंस भी पागल हो जाए। आप ये बताइए कि ओवरऑल दिखाते हैं जो तीन दिन में चैनल मोनेटाइज हुआ था हमारा, ब्रिलियंट बिहार, उसका अर्निंग है 19,000, 17,000, 26,000, मतलब अर्निंग का तो एकदम छूट उड़ा दिए हैं। ये अगस्त तक के था, और अगस्त के अगर बाद भी देखना चाहेंगे आप तो वो भी हम दिखाते हैं आपको, क्योंकि लोग देखिए विश्वास नहीं करते, सबसे बड़ी बात होती है विश्वास कितना दिला रहा है लोगों को। ये है इधर वाला, ये दोस्तों देख सकते हैं 6,000। नहीं नहीं ये नहीं, ये गलत चैनल खोल दिया, देख सकते हैं सबका यहाँ पे जो है ना स्क्रीनशॉट ले लेके रखे हुए हैं। और ये अभी, अभी मेरे ये सामने ये इधर का है, अगस्त के बाद इधर देखिए 9,000, 28,000, बहुत मतलब एक चीज ये देखने वाली बात है कि आप एक ही महीने में अलग अलग चैनल से आपने जो है सो काफी अर्निंग किया है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों कि एक साल भी नहीं हुआ है भाई को, और एक साल के अंदर ही इतने सारे चैनल से जो है अर्निंग करे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो ये सब तो ठीक है गोविंदा जी, लेकिन ये बताइए कि अभी तक मतलब एक साल के अंदर ही आपने यूट्यूब से कितना रेवेन्यू जनरेट कर लिया, एक ओवरऑल बात किया जाए तो कितनी अर्निंग आपने कर ली है? ज्यादा तो नहीं, भी साल भी नहीं लगा है, तो मुश्किल से 25 लाख रुपए हम लोग कमाए देख सकते हैं कि 25 लाख रुपया कमा लिए, कह रहे हैं कि ज्यादा नहीं, अभी तो साल भी नहीं बीता। हम लोगों का देखिए एक ड्रीम है कि आगे चलकर हम लोग महीने 25 लाख कमाएं। बहुत अच्छा ड्रीम है और एकदम कमाइए, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन एक चीज समझिए गोविंदा जी कि एक साल में अच्छे अच्छे लोग जो है 25 लाख रुपए नहीं कमा पाते, अच्छे अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं, जो 1 लाख रुपए महीना बोला जाता है कि 1 लाख रुपए आप महीना कमाते हैं, तो 1 लाख अपने आप में बहुत बड़ी चीज होती है। तो आप सोचिए कि उससे दोगुना साल में, मतलब कि महीने का मान के चलिए कि आपने 2 लाख रुपए कमाया, और इतने कम समय में, एक साल भी नहीं हुआ आप यूट्यूब पे आए, और साल में आप जो है सो एक साल भी खत्म नहीं हुआ आपने 25 लाख रुपए कमा लिया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि अगर आदमी के अंदर जुनून हो काम करने का, और इस तरीके से अगर इंसान काम करे तो सक्सेस कोई बात नहीं। हम लोग यूट्यूब में स्टार्टिंग में ही आ जाते हैं, लेकिन हम लोग इतना स्ट्रगल किए ना, 6 कंपनी में काम किए, काम करके 8,000 का फोन लेकर घर आए थे, बताइए कि अब चैनल शुरू करेंगे, क्योंकि घर से कोई फोन देता नहीं था, बताइए किसी को बिलीव नहीं था। हमारे पापा 4 महीने तक बोलते रह गए कि बोलते बोलते पैसा नहीं मिलेगा, मेरा बाल जो है ना वो बड़े के यहाँ तक आ गया था, मैंने भी एक जिद पकड़ लिया था, जब तक फर्स्ट पेमेंट नहीं आएगा बाल नहीं कटवाएंगे। जिद और उसका तो फोटो अभी आपको दिखा देंगे, सर को भेज देंगे, चला देंगे सर। जिद्दी तो है, क्योंकि देखिए जिद ही है जो इंसान को कहीं पहुंचाता है। अगर आपके अंदर दृढ़ता आ गया कि नहीं इस काम को हमको करना है, तो उस काम को एकदम करना है। और अब देखिए सबसे बड़ी चीज इनमें क्या लगी कि इनमें इतना अच्छा, इस उम्र में, इनकी उम्र मात्र 20-21 साल हो रही है, इस उम्र में इतना बड़प्पन है इनके अंदर, ये अकेले खुद तो सक्सेसफुल हो रहे हैं, साथ में और भी लोगों को, भाई लोगों को देख सकते हैं जो पीछे टीम मेंबर खड़े हैं, इनको भी साथ में लेके चल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, ये खुद तो बढ़ेंगे साथ में और लोगों को भी। जीवन में आप कितना भी बड़ा हो जाइएगा, आप अपने दोस्त को नहीं भूल सकते, दोस्त को नहीं, सब हमारे दोस्त, हमारे जब किसी को भी आप काम दीजिएगा सबसे पहले तो आपका दोस्त ही होगा, उसके बाद ही ना किसी को आप तो ये सब लोग आपके दोस्त हैं हमारे। तो आप लोगों को कैसा लगता है बताइए, थोड़ा गोविंदा भाई के साथ काम करें कैसा फील होता है बताइए? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा आता है, मजा आता है ना काम करने में यूट्यूब पे। बस इसी तरीके से आप लोग साथ रहिए, काम करिए, और देखिए आप लोग एक मोटिवेशन है, आपके जैसे लाखों लोग हमें देखते हैं, लाखों लोग हमारी ऑडियंस है, तो हमें जब देखती है ना तो हमें लगता है कि नहीं उनको हम पे भरोसा है, कुछ विश्वास है कि सर हमें जो चीजें बताते हैं इससे हम भी एक दिन कमाएंगे और सर जैसी लाइफ स्टाइल जिए। क्योंकि देखिए हम भी आज कल के डेट में आप लोगों के जैसा ही स्टूडेंट थे, हमको भी 2,000-3,000 के लिए समझिए घर से अच्छा नहीं लगता था,
प्लस में हम मतलब बहुत कंडीशन थोड़ा ख़राब था, लेकिन एक जिद था कि नहीं कुछ ना कुछ जो है लाइफ में करना है। तो अच्छा लगता है जब आप लोग सक्सेस होते हैं, हम लोग करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।